हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो ये वाला जो वीडियो है वो अपना ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट से काफ़ी हटके है। ये वाला वीडियो है वो स्कैम के रिलेटेड आपको सजेस्ट करने के लिए। बेसिकली हमारे आसपास बहुत सारे लोगों के साथ एक स्कैम हो गया जिसका पता हमें आज ही लगा है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी थी, इनका जो प्रोजेक्ट था वो एक धोलेरा नाम की सिटी है गुजरात में, वहाँ पे नेक्सा एवरग्रीन नाम की एक कंपनी है। तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करती है, ठीक है। तो उनके नाम से एक और कंपनी चल रही है नेक्सा एवरग्रीन नाम से, ठीक है। अब वो कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग टाइप में। तो अब हुआ क्या कि उसमें ना क्या हो रहा है कि मोस्टली जो आर्मी वाले लोग हैं या जो किसान लोग हैं या फिर वो वाले लोग जो आप मान लीजिए लाइक जिनको थोड़ी ना कम नॉलेज है, जिनको आसानी से फंसाया जा सके, तो उन लोगों को इन्होंने टारगेट करा। और जो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी जो धोलेरा गुजरात में है, वहाँ के ऑफिशियल नंबर पे हमने कॉल करा। लाइक 10 या 15 दिन पहले जब मेरे को ये पता लगा कि ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है, तो मेरे को हल्का हल्का सा डाउट हुआ उस चीज़ पे, मैं और मेरा एक फ्रेंड। तो हमने ना वहाँ पे उनको कॉल करा, नेक्सा एवरग्रीन वालों को। तो उनके ऑफिशियल नंबर पे हमने कॉल करा कि सर आपके नाम से ये चल रहा है क्या, आपकी कंपनी ऐसा कुछ कर रही है? तो उन्होंने क्लियरली मना करा कि नहीं सर, हमारी कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। अब वो काम क्या था, तो वो ऐसा था कि उसमें ना आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। आपके पैसे हर वीक, मतलब आपके जो मान लो आपने 50,000 रुपये लगाए, ठीक है, तो हर वीक आपको एवरी ट्यूसडे आपके अकाउंट में पैसे रिटर्न होते रहेंगे। जैसे 50,000 लगाए तो उसके 80,000 होके आपके एवरी ट्यूसडे आपके 14 या 15 महीने में आपके पैसे रिटर्न होंगे। मतलब 50,000 के आपको 80,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ सुन के ना हमारे कान खड़े हो गए, भाई थोड़ी रिसर्च करते हैं इस पर कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं कोई कंपनी जिसकी इनकम नहीं है और वो मतलब लोगों को इतना पैसा कैसे बांट सकती है, ठीक है। इस टाइप की कंपनी होती है ना, इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि लोगों से ना छोटे छोटे लोगों से पैसा उठाया जाता है, उसको फंड इकट्ठा करा जाता है और उनको फिर रिटर्न करा जाता है, ठीक। बट इतना ज़्यादा रिटर्न करा जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। तो हमें आसपास से पता लगा कि भाई इस टाइप की कंपनी, हमने रिसर्च करी, वहाँ पर कॉल करा धोलेरा वालों को कि सर आपके नाम से ये कंपनी। तो उन्होंने क्लियरली मना कर लिया कि नहीं भाई, हम ऐसी कोई भी कंपनी रन नहीं करते। आप कुछ भी अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी रिस्क पे कर रहे हो, हमारे एंड से आपको बिल्कुल मना ही है, ठीक है। तो उन्होंने क्लियरली मना कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि भाई ये जो काम कर रहे हो वो किस टाइप से कर रहे हो। हमने गूगल पे काफ़ी रिसर्च करा, यूट्यूब पे देखा, तो मतलब बहुत ही लोकल लोगों ने ऐसे समझा रखा था कि आप 50,000 रुपये डालो, आपको एवरी वीक आपके पैसों का रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। अब उसके नीचे आप अपने नीचे बंदे और ऐड करते जाओ, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, जैसे मैंने 50,000 रुपये लगाए, अब मैंने 3 बंदों को और बोला कि भाई मेरे पैसे आ रहे हैं, आप भी पैसे लगाओ। तो मेरी आईडी के नीचे मैंने 3-4 बंदों को और ऐड करा, 50-50,000। उनको अपना रिटर्न मिल रहा है, बट उनके रिटर्न का कुछ परसेंट कमीशन मुझे भी मिलेगा, क्योंकि वो बंदे मेरे रेफरल है, मेरे थ्रू इस कंपनी में आए, ठीक है। तो ऐसे कर करके तो जो टॉप मैनेजमेंट होगा भाई, वो तो अंधा कमा रहा होगा ना। बट कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बट वो दे कहाँ से रही इतना ज़्यादा पैसा लोगों को। तो इस टाइप की कंपनी में क्या होता है ना कि जब तक पैसे आता रहता है ये लोग लोगों में बांटते रहते हैं, ठीक है। मान लो मैंने 50,000 लगाए, मेरे थ्रू 4 लोग और लाए, उन्होंने 2-2 लाख लगाए, ठीक है, 8 लाख वो हो गए, 50,000 मेरे हो गए। तो 8,50,000 रुपये मेरी तरफ से कंपनी को मैंने दिए, ठीक है, मेरे रेफरल के थ्रू या मेरे ऑन से मैंने कंपनी को दिए। अब वो जो 8,50,000 है वो हमें मिलने वाले हैं अगले 14 महीनों, तब तक ये 8,50,000 वो ऊपर के लोगों में बंटते रहेंगे। तो इस टाइप से इस टाइप की कंपनी काम करती है। अब आज सुबह, आज है ट्यूसडे, ठीक है, और आज डेट है 24th of Jan 2023। इनकी ना हर मंगलवार को एवरी ट्यूसडे इनका रिटर्न आता है। तो आज आना था और सुबह सुबह मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ पता लगी, एक चीज़ फैली चिंगारी की तरह कि भाई नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का आज पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपनी भाग चुकी है। और बहाना इन्होंने क्या बनाया था, बहाना इन्होंने ये बनाया कि RBI की हमारे ऊपर रेड पड़ गई, उसके कारण हम आपको पेमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे, बट हम आपको कर देंगे, कंपनी अभी चालू नहीं हो पाएगी बट सबका पेमेंट हम रिटर्न कर देंगे। भाई पहली बात तो RBI किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटरफेयर नहीं करती। SEBI एक होती है, SEBI, SEBI, ये आप देख लेना, SEBI होती है, वो कंपनीज में इंटरफेयर करती, कभी भी RBI इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पहला शक हो गया। हमें तो मतलब शुरू से ही था कि भाई ये कंपनी ना, इनका कुछ टारगेट होता है कि भाई जिस दिन मेरे अकाउंट में 500 करोड़ होंगे मैं इनकम लेना बंद कर दूंगा, मैं पैसे देना बंद कर दूंगा, मैं अपना लेके निकल लूंगा झोला लेके, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा ही हुआ। आज मंगलवार को
आनी थी। अब ये जो आज आनी थी ये आज इसलिए पता लग रहा, बाकी ये जो पीछे ना बहुत दिनों से चल रहा होती है ये सारी चीज़ें कि हाँ इस डेट के बाद ये मंगलवार होगा, इस मंगलवार को हम लोग पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो उससे पहले हम सुबह सुबह एक न्यूज़ फैला देंगे इस टाइप की। तो इस टाइप से ये सारे फ्रॉड होते हैं। अभी यूट्यूब पे देख रहा था, गूगल पे देख रहा था, ट्विटर पे देख रहा था, लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना भाई, मतलब नींद ना आए। लाइक लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के इसमें पैसा लगाया है कि हाँ भाई चलो 15 महीने में कुछ हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। भाई उससे जब भी पैसा लगाओ ना यार, 1 रुपया भी कहीं पर लगा रहे हो ना, उससे पहले प्लीज़ रिसर्च कर लिया करो, इस टाइप के फ्रॉड में मत फंसा करो। अब इस कंपनी की मैं एक नेक्स्ट स्टेप और आपको बता देता हूँ। जैसे इस टाइप की कंपनीज होती है ना, जब ये फेल होने लगती है ना, तब क्या बोलती है कि सर TDS VDS कुछ इस टाइप के नाम लेके आपको बोलेगी कि आप 10-10 हज़ार और जमा कराओ, आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। मतलब कुछ भी वो बहाना मार के आपसे थोड़ा और इन्वेस्टमेंट मांगेगी। अब लोग क्या करते हैं कि जिनके 50 लाख लग रखे हैं, भाई ठीक है 10 हज़ार दे देते, कुछ तो पैसे वापस आएंगे। ऐसी चीज़ बिल्कुल भी मत करना भाई, आपके जो 10 हज़ार और जाएंगे ना वो मतलब भूल ही जाओ, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं देख रहा था कि मतलब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें पड़ी हुई है, गूगल पे बहुत ज़्यादा इधर उधर, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि भाई चलो कुछ थोड़ी राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। बाकी देखो भगवान मालिक है, उम्मीद तो यही करता हूँ कि सबके पैसे वापस आ जाए। कुछ भी अब इसमें जो भी लीगल प्रोसेस होगी वो सब लोग जाएंगे, मोस्टली इसमें आर्मी वाले लोग हैं, तो चाहते तो वही है कि भाई सबके पैसे वापस आ जाए, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया हुआ होता है। तो कुछ लीगल प्रोसेस वगैरह होगी, अब जो भी होता है उसके बारे में देखते हैं क्या कैसे तक चीज़ें पहुंचती हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है भाई, दिन भर में ना पता नहीं करोड़ों रुपए का फ्रॉड होता है। बाकी मैं वीडियोस देख रहा था, लोग बोल रहे थे कि पैसे आएंगे, RBI ये वो, कुछ नहीं है भाई, सब कुछ लोचा है। लोगों को थोड़ा रोक के रखने के लिए ये सब चीज़ें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी वही है, जितना जल्दी हो पाए आप जितना लीगल एक्शन ले पाते हैं वो प्लीज़ आप कर लीजिए, अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि ये सब ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, ये सब कंपनी ना इनकी कोई प्रॉपर साइट नहीं है, कोई कहीं पे प्रॉपर इनकी चीज़ें दी भी नहीं है। उस चीज़ में जाके आप अपनी यार इतने मेहनत के पैसे लगा रहे हो, थोड़ी रिसर्च करा करो, चीज़ें कहाँ जा रही है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, ये आपको आउटपुट दे रही है किस बेसिस पे देगी,